आपका मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। आज मैं आपको पनीर मसाला बनाना बता रहा हूँ, एकदम फाइव स्टार होटल स्टाइल में। इसका टेस्ट आपका होटल से भी बढ़िया रहेगा। प्लीज़ एक बार अवश्य ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मसाला पनीर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा पनीर है, ये अप्रोक्सली 250 ग्राम है। 4 मीडियम साइज टमाटर, 2 ऑनियन और ग्रीन चिली। ये मसाला है, रेड चिली पाउडर 1.5 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1.5 स्पून, टर्मरिक पाउडर, कस्तूरी मेथी, तेज पत्ता और 2 ग्रीन इलायची यानी कोरिएंडर और 4 काली मिर्च और जीरा 1.5 स्पून, सॉल्ट एज ए टेस्ट। और ये फ्रेश क्रीम है हाफ कटोरी और 1 कटोरी कर्ड। ये जो क्रीम है ये मैंने मलाई जमा करके घर में ही बना रखी है, फ्रेश मलाई बोल सकते हो या क्रीम बोल सकते हो यार। सो ये मेरा इंग्रेडिएंट है। अब मैं बना रहा हूँ पनीर मसाला। उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद है शेयर एंड फॉरवर्ड अवश्य करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मसाला पनीर बनाने की तैयारी। ये हमने एक कढ़ाई रखी है गर्म करने। अब इसमें हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे। तब तक मैं थोड़ा ऑनियन को बारीक चॉप करूँगा और टमाटो की प्यूरी बनाई जाएगी और गार्लिक जिंजर का पेस्ट। ये अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, ओनली जस्ट 2 टी स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। हमने अप्रॉक्सली इसमें 2 टी स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हम डालेंगे 1 टेबल टी स्पून, अप्रॉक्सली 1 टी स्पून हमने इसमें जीरा डाला है। और उसके बाद जो हमने ये मसाले में 2 हरी इलायची हैं ये डाल रहे हैं और ये 4 से 5 काली मिर्च डाल रखी है हमने एंड तेज पत्ता। अब इसको हल्का सा भून लेंगे हम। ये हल्का सा ब्राउन होने के बाद अब इसमें पड़ेगा ऑनियन, जो हमने ऑनियन काट के रखा है हम इसको डालेंगे इसमें। और साथ में एक ग्रीन चिली भी, हमने 2-3 ग्रीन चिली भी काट कर रखा है, उसको बीच में जस्ट कट मार रखा है, पूरा बारीक नहीं काटा है। और इसको अभी हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डाला जाएगा और तब तक हम बाकी तैयार करते हैं। ये हमने टमाटो की प्यूरी बना रखी है जिसमें अप्रॉक्सली 4 मीडियम साइज टमाटो है। ये जब तक हल्का गोल्डन फ्राई होता है तब तक हम बाकी वो करते हैं। अभी हमारा ये प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया जो कि इस तरह से दिख रहा है, आप देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट। तो मैं नॉर्मली अभी रेडीमेड यूज़ कर रहा हूँ। ये अप्रॉक्सली 2 स्पून के आसपास जाएगा। ये मैंने 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गार्लिक जिंजर पेस्ट। अब इसको थोड़ा हम भूनेंगे। इसको भूनेंगे थोड़ा और इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून पानी डाला है वो इसलिए क्योंकि ये नीचे चिपक गया था और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें देखो अदरक लहसुन पेस्ट में पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे रेड चिली पाउडर जो कि हमने ये रखा है, ये 1 टीस्पून के आसपास है। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैं इसमें ग्रीन चिली भी डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम डालूँगा। अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर
जो कि हमने टर्मरिक पाउडर रखा है ये डाल दिया हमने। टर्मरिक पाउडर डाल के भी इसको 1 से 2 सेकेंड हम इसको हिलाते रहेंगे, ये भून रहा है। और फिर से हम इसमें 1 टीस्पून वाटर डालेंगे। अभी हमने इसमें 1 टीस्पून वाटर और डालेंगे, ज़्यादा नहीं। पानी डालने का मेन रीज़न ये है कि वह नीचे ना लगे और मसाला जले नहीं, अपना मिर्ची वगैरह जले नहीं, नहीं तो जल जाएगा तो उसका टेस्ट तो नहीं होगा। अब आगे देख रहे होंगे इसमें ऑयल छोड़ दिया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए इसने एकदम ऑयल छोड़ दिया है। इसमें टमाटो प्यूरी डाल दिए, टमाटो प्यूरी को हम पकने देंगे। ये देखिए अभी हमारा टमाटो प्यूरी पक रही है, एकदम कलर छोड़ देगा, एकदम टमाटो प्यूरी पक रही है। तब तक हम पनीर को काट के, हमने ऐसे पनीर के छोटे पीस किए हैं, ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करने हैं, तो इसको अभी हम आगे को इसे करेंगे। अभी पनीर इस मसाले ने पूरा ऑयल छोड़ दिया है, इसमें टमाटो गार्लिक जिंजर पेस्ट और अदरक मसाले हैं। अब इसमें मैं डालूँगा कर्ड और मलाई, तो इसके पूरा ऑयल छोड़ गया, बाकी आइटम इसमें डाल, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूँगा, पहले गैस को हल्का स्लो करेंगे और स्पून रेडी रखेंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 स्पून ऑफ पानी डालेंगे हम इसको। अभी पानी डाल दिया हमने इसमें, अब इसमें हम डालेंगे कर्ड। दही को, दही खट्टा नहीं, नॉर्मल दही है। अब हम इसको डालेंगे इसमें दही को, ये हमने दही डाल दिया। और दही डाल के हम इसको फटाफट हिलाएंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। दही को हिलाते रहना पड़ता आपको, नहीं तो ये फट जाएगा। और गैस थोड़ा स्लो कर देंगे, गैस को धीरे धीरे ऊपर फास्ट में लाएंगे, पहले स्लो नहीं थोड़ा इसको हिला लेंगे। एक बार इसको अच्छी तरह फट जाए, फिर हम इसको गैस को फास्ट करेंगे। अब हम गैस को धीरे धीरे फास्ट कर देंगे और इसको पकाएंगे। पर लेकिन हिलाना इसको कंटिन्यू रखना, आपको हिलाते रहना है, नहीं तो दही का वो उड़ जाएगा, दही फट जाएगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे फटा हुआ दूध जैसा। तो इसको हिलाते रहिए आप कंटिन्यू। पकने लगे थोड़ा सीटी है आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट। और आपको ऐसे ऐसे डिशेज देखनी है, आपको कुछ नया देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलें, मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए वो भी तैयार हो। यह सिंपल पनीर की भाजी बना रहा हूँ, सब्जी बना रहा हूँ, इसमें कुछ नाम भी नहीं दे रहा हूँ, एकदम सिंपल पनीर की सब्जी। ना इसमें ग्रीन पीस जाएगा, ना कैप्सिकम, ना पालक, ओनली पनीर। तो ये पनीर की सब्जी बन गई। अब देख लीजिए दही पर वो हो गया, अब डालेंगे इसमें मलाई यानी क्रीम, इसको थोड़ा हम फैल लेंगे। ये गया हमारा क्रीम, क्रीम बोलो या मलाई बोलो, और ये फ्रेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब हमने ये भी डाला। अब देखिए सर कलर देख लीजिए, उसने एकदम कलर चेंज कर दिया, इसका स्ट्रक्चर ही एकदम चेंज हो गया। इसको भी थोड़ा हिलाते रहेंगे, ये हिलते जा रहा है, धीरे 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 पकेगा। मलाई फटने का कोई चांस नहीं होगा, मलाई गल जाती है, आपको क्रीम के साथ कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, जो कि हमने ये काट के रखा है, ये 250 ग्राम अप्रोक्सी पनीर है। ये हमने ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए, छोटे पीस किए हुए हैं, ओनली पनीर है। इसमें हम ग्रीन पीस डालेंगे, ना कुछ डालेंगे। अब इसको एकदम स्लो गैस में मिनिमम 5 मिनट हमें तो ढक के पकाएंगे,
पनीर को भी पकाएंगे, लेकिन इसको हिलाएंगे नहीं है तो पनीर टूट जाएगा, हिलाना नहीं है। स्लो फायर में इसको अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट मिनिमम हमने इसको रखना है, नहीं तो 6-7 मिनट भी आप रख सकते हो, पर 5 मिनट तो आपको इसको रखना ही पड़ेगा। तो हमने ये स्लो कर दिया है और अब इसको हम ढक देंगे। ये हमने ढक दिया है और 5 मिनट बाद हमारा ये पनीर एकदम इसमें फर्स्ट एकदम तैयार हो गया, इसमें कलर हो गया, तो ये इस टाइप का दिखेगा। अभी ये देखिए मसाला पनीर एकदम रेडी है। अब इसमें हम फाइनल करेंगे, यानी फाइनल आइटम मैं इसमें डालूंगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था। वो फाइनल क्या रहेगा? कस्तूरी मेथी, जो मैं ये दे रखा है इसे इसको। लेकिन हम इसको कैसे डालेंगे? इसको पहले हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ये जो हमने इसमें ये गरम कर लिया है, देखो धुआं आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास खुशबू। अब इसको हाथ में ले लो और इसको ऐसा बुरे दो। अब ये देखिए आप, ये हो गया हमारा पनीर मसाला रेडी और कस्तूरी मेथी की धीमी धीमी खुशबू, लाजवाब। ये किसी 5 स्टार के पनीर को भी माफ करेगा, 5 स्टार में भी आपको इस तरह से मिलेगा, इसका टेस्ट आप देखेंगे यम्मी, वाओ मजा आएगा। तो फ्रेंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ब्लॉग। ये मेरे चैनल में अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब, और मेरे ब्लॉग में जाके भी आप पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग में इसके बारे में डिटेल लिखी है। अब इसमें फाइनली पसंद डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया। अभी इसको हम थोड़ा ढक दें क्योंकि कस्तूरी मेथी की जो खुशबू है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये हमारा रेडी हो गया पनीर मसाला। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा, यू एंजॉय एंड थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।